अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मार्केट जैसी सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम, जो यम्मी और टेस्टी होने के साथ बहुत ही सिंपल और इजी है। इसे बनाने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मार्केट जैसी सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट जैसी सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक कप हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। दो मैंगो के पल्प को मिक्सी जार में ब्लेंड करके इस तरह फाइन पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लेंगे। आपके मैंगो किस हद तक मीठे हैं, उस हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम 2 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, चीनी, मिल्क पाउडर और मैंगो प्यूरी को हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, ताकि जब हम इन तमाम चीज़ों को व्हिपिंग क्रीम में ऐड करेंगे तो व्हिपिंग क्रीम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। वरना क्या होगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर से हम इन तमाम चीज़ों को व्हिपिंग क्रीम में ऐड करेंगे तो व्हिपिंग क्रीम जो है वो हल्की सी मेल्ट हो जाती है, और इससे ना आइसक्रीम सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बन पाती। व्हिपिंग क्रीम में सबसे पहले हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, इसी के साथ हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। फ्रिज में रखने की वजह से चीनी और मिल्क पाउडर आपको इस तरह नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पहले हम चीनी और मिल्क पाउडर को हल्के हाथ से व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें मैंगो पल्प को भी ऐड कर देंगे, और इसे भी हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस टाइप का कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, और हमने जो आइसक्रीम का मिक्सचर बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर न रहे और आइस क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी न हो। हमने इसे प्रॉपर सेट कर लिया है। अब हम इस पर कुछ काजू के पीसेस स्प्रेड करेंगे, और कुछ ग्रीन कलर की टूटी फूटी ऐड करेंगे, और साथ ही में कुछ रेड कलर की टूटी फूटी ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा कलरफुल नज़र आए। अब हम इसे हल्का सा टैप करेंगे, और इसे ढककर 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने के बाद अभी अभी हमने इसे बाहर निकाला है, चलिए हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से प्रॉपरली सेट हो चुका है, इसमें आइस क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं बना है, ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बना है। चले अभी हम इसे स्कूप आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी बनी है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम जैसा बना है, और ये उतनी ही टेस्टी और यम्मी बनी है। तो लीजिए, मार्केट जैसी सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।